नमस्कार दोस्तों, अपना जो चैनल है SDRM ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी का मेटेरियल भी मिलेगा। थ्योरी के अंदर टॉपिक अपना है पहला सिंगल फेस मोटर। पहली बात तो ये सोचनी है सिंगल फेस मोटर और थ्री फेस मोटर के अंदर क्या फर्क होता है। थ्री फेस मोटर के अंदर आप बात करते हैं उसके अंदर चालू करने पर, यानी ये पहली बात है सिंगल फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और थ्री फेस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि सिंगल फेस मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है और थ्री फेस मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है। तो मैं सिंगल फेस मोटर के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण करें और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे शेयर करें। अब देखो, एकल फेज निरूपण मोटर, ये मोटर इसके अंदर सिंगल फेस मोटर के अंदर, सिंगल फेस मोटर के अंदर हमारे कौन कौन सी मोटर आती है और कौन कौन सी मोटरों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो, सिंगल फेस मोटर के अंदर एक तो होता है भाई रोटर होता है और एक होता है आपके स्टार्टर। और स्टार्टर का काम क्या होता है, स्टार्टर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। स्टार्टर के अंदर वाइंडिंग कितनी होती है भाई, दो वाइंडिंग होती है। दो वाइंडिंग कौन कौन सी, एक वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब देखो, रनिंग वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का मतलब क्या, हमें चीज को रनिंग और स्टार्टिंग का देखते ही ये पता चलता है। स्टार्टिंग का मतलब होता है किसी मोटर को स्टार्ट करना, स्टार्ट करना यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है किसी मोटर को स्टार्ट करना, ये होता है अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब रनिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है, किसी भी मोटर को क्या करना, रनिंग का मतलब रन यानी घुमाना, इसके रन के द्वारा यानी इस मोटर को घुमाना। अब देखो, मोटर का घूमन गति वह होती है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग का मतलब पूरी पूरी मोटर का जो काम होता है किसमें होता है, रनिंग वाइंडिंग होता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है यानी मोटर को स्टार्ट करना ही काम होता है। अब समझना क्या है, यहाँ पर जो कोयले होती है वह कोयलों का पिच कितना डिग्री होता है, यहाँ पूछा जाता है जो कोयले इसमें डाली जाती है वह कितने डिग्री पर मोड़ दी जाती है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री पर उसको मोड़ दी जाती है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी, यहाँ पर चीज़ ध्यान में रखनी, इस मोटर के अंदर यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी उपकेंद्रीय स्विच लगा होता है, उपकेंद्रीय स्विच होते हैं यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ होता है। इसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है, अब देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है, मेरा ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेमीक्रम में लगाया जाता है और सेमीक्रम के सेमीक्रम में लगाया जाता है। और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच या उपकेंद्रीय स्विच का काम यह होता है कि मोटर के अंदर 70 से 75% मोटर की गति घूर्णन गति प्रदान करके मोटर को यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है, यानी मोटर की स्टार्टिंग जो टायर होता है स्टार्ट करके मोटर के अंदर 70 से 75% मोटर का घूर्णन गति, मोटर की घूर्णन गति चलनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच वहाँ ऑफ जाता है। अब देखो, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब हमारा जल गया तो मोटर के अंदर क्या हो जाएगा, मोटर के अंदर वाइंडिंग में धुआं निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि मोटर हमारी वहाँ सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। और स्टार्ट नहीं हो रही इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच या तो खराब हो गया यानी इसकी ब्लेड चिप गई है, उसको आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं यानी उसको वापिस सही करा सकते हो। अब देखो, यहाँ बात आती है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर एक लगा हुआ होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और अब देखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो मेटेरियल था वे स्टार्टिंग, यहाँ सवाल पूछा जाता है कि स्टार्टिंग अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का घूर्णन जो घूर्णन गति कितने परसेंट के बाद में स्टार्ट हो जाती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अंदर 70 से 75% का घूर्णन गति उसकी रनिंग वाइंडिंग के अंदर पूरी हो जाती है, यानी 70 से 75% स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर मोटर चलेगी और उसके बाद में रनिंग वाइंडिंग के अंदर स्टार्ट चली जाती है, पूरा पूरा मेटेरियल रहता है रनिंग वाइंडिंग के अंदर। अब देखो, अब ये मेरी बात समझो, यहाँ पर चीज ध्यान में रखनी है कि रनिंग वाइंडिंग के अंदर जो तार होते हैं वे होते कैसे, कैसे होते हैं मेरे भाई, रनिंग वाइंडिंग के जो तार होते हैं वे होते हैं
पतले तार, क्या होते हैं भाई पतले तार, पतले तार होते हैं। अब देखो पतले तार होते हैं यहाँ पर। अब देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक आपको बताया कि जहाँ पर मोटे तार होंगे और जो मोटे तार होंगे ट्रेनों की संख्या कम होगी तो उसके अंदर प्रतिरोध भी क्या होगा कम होगा। और अब देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर पतले तार ट्रेनों की संख्या ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या है प्रतिरोध भी ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर यानी मोटर को हम प्रतिरोध के कारण यानी इसके अंदर पतले तार हैं और ट्रेनों की संख्या भी ज़्यादा है तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर मोटर चलने के बाद में हमारे रनिंग वाइंडिंग में प्रयोग हो जाती है तो मोटे तार और प्रतिरोध भी कम तो हमारी मोटर अच्छी तरह से चलना अच्छी तरह से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ मेरी बात यहाँ से आ गई आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बारे में। आप देखो आगे हमारी मोटर होती है जो कैपेसिटर रन मोटर होती है उनके बारे में अंदर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि ये जो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाली ये मोटर ज़्यादातर आपके कहाँ यूज आती है और कहाँ पर इसे देखो आपने जैसे आपने सिंगल फेस मोटर देखी है आपकी ये ज़्यादातर काम आती है कि पंप है ये डिवाइस है या उन क्षेत्रों पर ये मोटर सबसे ज़्यादा यूज आती है। अब देखो दोस्तों इसमें हमारा जो मेटेरियल है कि इसकी पूरी मोटरों की जो सिंगल फेस के अंदर जितनी भी मोटर है दो वीडियो के अंदर आपको पूरी क्लियर मिल जाएगी और कंटेस्ट याद भी हो जाएगी। मेरा जो वीडियो आ रहा है मैं अच्छी तरह से देखें। अब देखो संधारित्र मोटर, अब संधारित्र मोटर में क्या होता है, संधारित्र का मतलब होता है इसके अंदर क्या लगा हुआ है भाई सेल लगा हुआ जो आप पंखा में सेल लगे वो ही सेल संधारित्र बोली जब है। अब संधारित्र मोटर में होता क्या है केपीसी स्टार्ट मोटर है। अब केपीसी स्टार्ट रन मोटर और तीसरा है इसका केपीसी मोटर। अब केपीसी स्टार्ट मोटर का केपीसी का मतलब होता है जो आपके जो सेल लगा हुआ होता है जो पंखे के अंदर आप देखते हो सफेद टाइप सेल होता है और ये आपका केपीसी है और इस केपीसी का काम क्या होता है ना केपीसी स्टार्ट मोटर यानी केपीसी सा है स्टार्ट मोटर को स्टार्ट करने के लिए इस नाम से ही पता चल रहा है कि केपीसी मोटर को एक बार धक्का देकर स्टार्ट कर देगी यानी केपीसी स्टार्ट मोटर के अंदर इसका उपयोग है। अब देखो इसका उपयोग होता है वॉशिंग मशीन में। अब देखो दूसरा है कि केपीसी स्टार्ट केपीसी रन मोटर क्या होता है। पहली बात तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है तो केपीसी स्टार्ट यानी केपीसी को स्टार्ट तो करेगा बल्कि केपीसी रन मोटर केपीसी के साथ में ही मोटर लगेगी भी चलेगी। अब देखो इसमें होते हैं दो केपीसी क्या होते हैं भाई दो केपीसी होते हैं। अब देखो दो केपीसी होते हैं दोनों केपीसी लगे किसमें होते हैं समांतर गर्म किसमें होते हैं समांतर गर्म लगे किसमें होते हैं समांतर गर्म। अब देखो दो केपीसी लगे होते हैं दो केपीसी को आपके किसमें लगे होते हैं समांतर गर्म लगे होते हैं। यहाँ चीज ध्यान रखें दो केपीसी समांतर गर्म लगाने के बाद उन केपीसी को हम लगेंगे इसमें उन केपीसी को हम लगेंगे श्रेणी गर्म और किसके श्रेणी गर्म में स्टार्टिंग वाइंडिंग किसके लगेंगे भाई स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगेंगे किसके लगेंगे भाई स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में किसको लगेंगे हम इसके समांतर क्रम में जो केपीसी लगे थे दो उनको लगेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगेंगे। अब इनको लगाने की जो कहां पर आवश्यकता अब देखो इसमें एक तो होती है उच्च रन का मतलब इसकी गति भी ये ऐसी मोटर होती है जिसके अंदर गति सबसे ज्यादा की जरूरत होती है यहाँ पर उच्च टार की जरूरत होती है वहां पर इस पर लिखा है केपीसी स्टार्ट केपीसी रन मोटर का उपयोग में यहाँ पर दो केपीसी लगे जाते हैं उच्च टारगेट के लिए और उच्च गति के लिए यहाँ पर केपीसी स्टार्ट केपीसी रन मोटर में दो केपीसी लगाए जाते हैं उच्च टॉर्क के लिए यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर जो आती है इस तरह यहाँ जो आती है आपके इस तरह केपीसी मोटर इस तरह केपीसी का मतलब होता है इसके अंदर केपीसी लगा हुआ रहता है है ना इस तरह केपीसी मोटर
इसमें हमने क्या होता है, कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जैसे इसका उपयोग होता है ज्यादातर पंखे, पंखे है, छत पंखा है, टेबल पंखा है, इसके अंदर ज्यादा पर इसका उपयोग है, इस तरह कैपेसिटर मोटर का उपयोग होता है। अब देखो ये हम कैपेसिटर नहीं लगाए तो मोटर चलेगी नहीं चलेगी, हमारे सेल्फ स्टार्ट मोटर, देखो सिंगल फेज जो भी मोटर है उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एक फेज को दो भागों में विभक्त करेंगे, इसलिए वह सिंगल फेज मोटर, दो एक फेज को दो भागों में विभक्त करने के बाद में हमारी सिंगल फेज मोटर हमारी चलने स्टार्ट होगी, अन्यथा नहीं सेल्फ स्टार्ट होगी, स्वप्रेरित की जाएगी। इसके अंदर आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि सिंगल फेज के अंदर हम कल का जो टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल मोटर, सेडन मोटर, और उसके अंदर हम बात करेंगे, तो आपको सिंगल फेज मोटर के अंदर यह चीज आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। चलो दोस्तों, थैंक यू, चैनल को।